स्टार्टअप हो, सबसे पहली बात क्या है कि ये हम सारे स्टूडेंट्स हैं एक फैमिली की तरह हैं। फैमिली का मतलब क्या है, अगर हम आपको सिखाते हैं और आप सब लोग सीखते हैं तो हम दोनों के बीच में क्या होता है कि रिलेशन डेवलपमेंट होता है। क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन यही बनता है कि चलिए ठीक है आप मेरा सम्मान करते हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, एक दूसरे को एक प्रति सिखाते हैं। कोई आदमी वैसे ज़िंदगी में कहने को, मैं आपको बताऊँ, कोई आदमी एक दूसरे को नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं सिखाता। आदमी खुद सीखता है, जब खुद प्रैक्टिस करता है, खुद काम करता है, उस चीज़ पे अमल करता है। बस हम लोग क्या होते हैं, एक जरिया होते हैं, एक माध्यम होते हैं, उस माध्यम के द्वारा आप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं। तो आज हमारे पास स्टूडेंट जो हैं उमेश जी हैं, इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कम्प्लीट हो गया है और मुझे लगता है शायद 3 महीना समय लग गया, नहीं समथिंग 3 महीने का समय लग गया। ये कन्नौज से रहने वाले हैं और 3 महीने रह करके पूरा अपने मेहनत से इन्होंने उसको कंप्लीट किया और इनका घर यहाँ से मुझे लगता है कि 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है कि यहाँ पर रह करके पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज पूरा कोर्स फाइनल करने के बाद ठीक करके जा रहे हैं। आज ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि जैसे मेरे पास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोगों ने अपना ज्वाइन किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किसी को 10-12-15 दिन क्लास करते करते हो गया, किसी को 1-2 महीने क्लास करते करते हो गया। तो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज आए नहीं। ये जो हमने जो प्रोग्राम रखा है वो स्पेशली एक बैच का रखा हुआ है कि जो ये टाइम का जो बैच है इस टाइम का रखा है, वो शाम के बच्चे अपने शाम के टाइम पर आएंगे क्योंकि इनका कोर्स कम्प्लीट हुआ है। एक अच्छे स्टूडेंट है, पूरा कोर्स कम्प्लीट किया, पूरा कोर्स कम्प्लीट करने के बाद जाएंगे और अपना कसो बिजनेस ओपन करेंगे, मतलब शॉप खोलेंगे। हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि बढ़िया अपना काम करें, अच्छे से करें और अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें ताकि कभी कोई परेशानी ना आए। सारे स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है कि कभी कोई परेशानी आती है, अगर उसे लगता है कि 2-3 महीने सीखने के बाद भी या 6 महीने 2 साल के बाद भी अगर उसे कभी कोई परेशानी आती है तो मुझसे आकर के 2-4-5 दिन की कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो अपना ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है, सीख के जाने के बाद अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसी के साथ में हम लोग छोटे से पार्टी रखते हैं, वो सब लोग करेंगे मिल करके। दूसरी बात क्या, सीखने के साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान देना होता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा यूज है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फोन और लैपटॉप दो डिवाइसेस ऐसी हैं, जितने भी करके सारे जो यूजर हैं मार्केट में अगर देखा जाए तो करोड़ों अरबों यूजर है। ऐसा कोई मोबाइल फोन, ऐसा कोई पर्सन नहीं जिस पर्सन के पास मोबाइल फोन ना हो, या अगर आगे चल करके भविष्य में इन फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में या आगे चल कर जैसा इस समय पर माहौल हो रहा है कि कोरोना का जैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को चालू कर देती है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बंद कर देती है, आगे चल करके होगा क्या? आगे चल करके यही होगा कि भैया सारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे घर बैठ के सीख लेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सीखेंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो घर बैठे सीखेंगे। लेकिन घर बैठ के सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे, उनको तो माध्यम होना चाहिए। तो उस माध्यम के लिए मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के अलावा कोई और डिवाइस बनी हो। ऐसा तो है नहीं कोई LCD पे देख करके सीख लेगा या कोई TV पे देख करके सीख लेगा, रेडियो पे सुन लेगा, वो के लिए इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर क्या रहता है कि सारी चीज़ों का इंटरनेट का यूज रहता है, सारी एप्लीकेशन हो गई, सारे फीचर हो गए, लेटेस्ट जो भी सारी सुविधाएं आती हैं वो एक एक करके दी होती हैं। तो हम लोग उनको रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करने का एक टेक्निक सीखते हैं और उसी टेक्निक के आधार पर जो मार्केट में जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनता हुआ चला जा रहा है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नया एक अच्छा व्यवसाय जनरेट हो रहा है। तो इतने भी
स्टार्टअप हो, सबसे पहली बात क्या है कि ये हम सारे स्टूडेंट्स हैं एक फैमिली की तरह हैं। फैमिली का मतलब क्या है, अगर हम आपको सिखाते हैं और आप सब लोग सीखते हैं तो हम दोनों के बीच में क्या होता है कि रिलेशन डेवलपमेंट होता है। क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन यही बनता है कि चलिए ठीक है आप मेरा सम्मान करते हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, एक दूसरे को एक प्रति सिखाते हैं। कोई आदमी वैसे ज़िंदगी में कहने को मैं आपको बताऊँ, कोई आदमी दूसरे को नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं था। आदमी खुद सीखता है, जब खुद प्रैक्टिस करता है, खुद काम करता है, उस चीज़ पे अमल करता है। बस हम लोग क्या होते हैं, एक जरिया होते हैं, एक माध्यम होते हैं, उस माध्यम के द्वारा आप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं। तो आज हमारे पास स्टूडेंट जो है उमेश जी हैं, इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कम्प्लीट हो गया है और मुझे लगता है शायद 3 महीना समय लग गया, नहीं समथिंग 3 महीने का समय लग गया। ये कन्नौज से रहने वाले हैं और 3 महीने रह करके पूरा अपने मेहनत से इन्होंने उसको कंप्लीट किया और इनका घर यहाँ से मुझे लगता है कि 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है कि यहाँ पर रह करके पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज पूरा कोर्स फाइनल करने के बाद ठीक करके जा रहे हैं। आज ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि जैसे मेरे पास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपना ज्वाइन किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जिन लोगों को 2 दिन क्लास करते करते हो गया, किसी को 10-12-15 दिन क्लास करते करते हो गया, किसी को 1-2 महीने क्लास करते करते हो गया। तो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज आए नहीं। ये जो हमने जो प्रोग्राम रखा है वो स्पेशली एक बैच का रखा हुआ है कि जो ये टाइम का जो बैच है इस टाइम का रखा है, वो शाम के बच्चे अपने शाम के टाइम पे आएंगे क्योंकि इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है। एक अच्छे स्टूडेंट है, पूरा कोर्स कंप्लीट किया, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाएंगे और अपना सबको बिजनेस ओपन करेंगे, मतलब शॉप खोलेंगे। हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि बढ़िया अपना काम करें, अच्छे से करें और अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें ताकि कभी कोई परेशानी ना आए। सारे स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है कि कभी कोई परेशानी आती है, अगर उसे लगता है कि 2-3 महीने सीखने के बाद भी या 6 महीने 2 साल के बाद भी अगर उसे कभी कोई परेशानी आती है तो मुझसे आकर के 2-4-5 दिन की कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो अपना ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है, सीख के जाने के बाद अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसी के साथ में हम लोग छोटी सी पार्टी रखते हैं, वो सब लोग करेंगे मिल करके। मक्खी कितनी खा रही है सबसे ज्यादा इसी तरीके से सारे स्टूडेंट आपस में सीखते रहिए। दूसरी बात क्या, सीखने के साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान देना होता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दो डिवाइसेस ऐसी हैं जितने भी करके सारे जो यूजर हैं मार्केट में अगर देखा जाए तो करोड़ों अरबों यूजर हैं। ऐसा कोई मोबाइल फोन, ऐसा कोई पर्सन नहीं जिस पर्सन के पास मोबाइल फोन ना हो, या अगर आगे चल करके भविष्य में इन फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में या आगे चल कर जैसा इस समय पर माहौल हो रहा है कि कोरोना का जैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को चालू कर देती है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बंद कर देती है, आगे चल करके होगा क्या? आगे चल करके यही होगा कि भैया सारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे घर बैठ के सीख लेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सीखेंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो घर बैठे सीखेंगे। लेकिन घर बैठ के सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे, उन लोगों को तो माध्यम होना चाहिए। तो उस माध्यम के लिए मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के अलावा कोई और डिवाइस बनी हो। ऐसा तो है नहीं कोई LCD पे देख करके सीख लेगा या कोई TV पे देख करके सीख लेगा, रेडियो पे सुन लेगा, वो के लिए इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर क्या रहता है कि सारी चीज़ों का इंटरनेट का यूज रहता है, सारी एप्लीकेशन हो गई, सारे फीचर हो गए, लेटेस्ट जो भी सारी सुविधाएं आती हैं वो एक एक करके दी होती हैं। तो हम लोग उनको रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करने का एक टेक्निक सीखते हैं और उसी टेक्निक के आधार पर जो मार्केट में जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनता हुआ चला जा रहा है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नया एक अच्छा व्यवसाय जनरेट हो रहा है। तो जितने भी स्टार्टअप हो,
सबसे पहली बात क्या है कि ये हम सारे स्टूडेंट्स हैं एक फैमिली की तरह हैं। फैमिली का मतलब क्या है, अगर हम आपको सिखाते हैं और आप सब लोग सीखते हैं तो हम दोनों के बीच में क्या होता है कि रिलेशन डेवलपमेंट होता है। क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन यही बनता है कि चलिए ठीक है आप मेरा सम्मान करते हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, एक दूसरे को एक प्रति सिखाते हैं। कोई आदमी वैसे ज़िंदगी में कहने को मैं आपको बताऊँ कोई आदमी दूसरे को नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं, आदमी खुद सीखता है। जब खुद प्रैक्टिस करता है, खुद काम करता है, उस चीज़ पे अमल करता है, बस हम लोग क्या होते हैं, एक जरिया होते हैं, एक माध्यम होते हैं, उस माध्यम के द्वारा आप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं। तो आज हमारे पास स्टूडेंट जो हैं उमेश जी हैं, इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कम्प्लीट हो गया है और मुझे लगता है शायद 3 महीने समय लग गया, नहीं समथिंग 3 महीने का समय लग गया। ये कन्नौज से रहने वाले हैं और 3 महीने रह करके पूरा अपने मेहनत से इन्होंने उसको कम्प्लीट किया और इनका घर यहाँ से मुझे लगता है कि 100-150 किलोमीटर दूर पड़ता है कि यहाँ पर रह करके पूरा कोर्स कम्प्लीट करने के बाद आज पूरा कोर्स फाइनल करने के बाद सीख करके जा रहे हैं। आज ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि जैसे मेरे पास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपना ज्वाइन किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जिस दिन 2 दिन क्लास करते करते हो गया, किसी को 10-12-15 दिन क्लास करते करते हो गया, किसी को 1-2 महीने क्लास करते करते हो गया, तो सब डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आज आए नहीं, ये जो हमने जो प्रोग्राम रखा है वो स्पेशली एक बैच का रखा हुआ है कि जो ये टाइम का जो बैच है इस टाइम का रखा है, वो शाम के बच्चे अपने शाम के टाइम पे आएंगे क्योंकि इनका कोर्स कम्प्लीट हुआ है। एक अच्छे स्टूडेंट है, पूरा कोर्स कम्प्लीट किया, पूरा कोर्स कम्प्लीट करने के बाद जाएंगे और अपना सबको बिजनेस ओपन करेंगे, मतलब शॉप खोलेंगे। हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि बढ़िया अपना काम करें, अच्छे से करें और अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें ताकि कभी कोई परेशानी ना आए। सारे स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है कि कभी कोई परेशानी आती है, अगर उसे लगता है कि 2-3 महीने सीखने के बाद भी या 6 महीने 2 साल के बाद भी अगर उसे कभी कोई परेशानी आती है तो मुझसे आकर के 2-4-5 दिन की कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो अपना ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है, सीख के जाने के बाद अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसी के साथ में हम लोग छोटी सी पार्टी रखते हैं, वो सब लोग करेंगे मिल करके। मक्खी कितनी खा रही है सबसे दूसरी बात क्या, सीखने के साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान देना होता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा यूज है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फोन और लैपटॉप दो डिवाइसेस ऐसी हैं जितने भी करके सारे जो यूजर हैं मार्केट में, अगर देखा जाए तो करोड़ों अरबों यूजर है। ऐसा कोई मोबाइल फोन, ऐसा कोई पर्सन नहीं जिस पर्सन के पास मोबाइल फोन ना हो, या अगर आगे चल करके भविष्य में हम लोग इन फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में या आगे चल कर जैसा इस समय पर माहौल हो रहा है कि कोरोना का जैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को चालू कर देती है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बंद कर देती है, आगे चल करके होगा क्या? आगे चल करके यही होगा कि भैया सारे कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे घर बैठ के सीख लेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सीखेंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो घर बैठे सीखेंगे। लेकिन घर बैठ के सीखेंगे तो सीखेंगे कैसे, उन लोगों को तो माध्यम होना चाहिए। तो उस माध्यम के लिए मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के अलावा कोई और डिवाइस बनी हो। ऐसा तो है नहीं कोई LCD पे देख करके सीख लेगा या कोई TV पे देख करके सीख लेगा, रेडियो पे सुन लेगा, वो के लिए उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर क्या रहता है कि सारी चीज़ों का इंटरनेट का यूज रहता है, सारी एप्लीकेशन हो गई, सारे फीचर हो गए, लेटेस्ट जो भी सारी सुविधाएं आती हैं वो एक एक करके दी होती हैं। तो हम लोग उनको रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करने का एक टेक्निक सीखते हैं और उसी टेक्निक के आधार पर जो मार्केट में जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनता हुआ चला जा रहा है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नया एक अच्छा व्यवसाय जनरेट हो रहा है।
जैसा कि आज आप सारे लोग हैं, सब लोगों ने देखा है कि मतलब एक हमारे उमेश करके स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज अपना घर जा रहे हैं और सर्टिफिकेट मिल गया है। अभी अपना बिजनेस करेंगे, अपना प्लान करेंगे, तो आप इनका थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए मैंने बोला था। हेलो सर, हम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से हैं, मेरा नाम उमेश है। हम जो यहाँ से यहाँ पे आए हैं, जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स रहता है, 30 से 45 दिन का कोर्स रहता है, और जो हमारा जो कोर्स था वो 2 महीने में 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जो अगर थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कुछ भी यानी डिफरेंस हो रहा है, तो 3 महीने रुक सकते हैं, यानी कि कुछ यानी कर सकते हैं। तो हमारा जो मोबाइल रिपेयरिंग में जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है हमारा, वो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, और मैं अपना शॉप खोलने जा रहा हूँ, बस इतना ही। थैंक यू सर। अब जैसे मेरे पास एक सबसे छोटे स्टूडेंट आते हैं जिनका नाम है अली, ये हमारे पास सबसे 10 साल का एक ऐसा स्टूडेंट है जो 11 साल का भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख सकता है, और क्या क्या सारी चीजें सीख चुका है जो आज आपको डिस्प्ले करेगा, आपको बताएगा भी। ये नहीं बता पाए, कह रहा है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मैं करके दिखा सकता हूँ। फिर मेरे साथ में एक आशीष करके हैं, आशीष झा, जो बिहार के अररिया के रहने वाले हैं, और इनका कोर्स फिलहाल अभी रनिंग चल रहा है कि मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। और हमारे यानी कि एक बहुत ही खास दोस्त थे जो हमारे हम लोगों के साथ रहते थे हॉस्टल में, और आज उनका यानी कि कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका था आज से 15-20 दिन पहले ही, लेकिन उसने फिर भी यानी कि प्रैक्टिस के लिए 20-25 दिन और भी रुक गए। तो इस तरह की अगर आप मतलब कोई भी स्टूडेंट को रुकने की इच्छा हो कि हम और 10 दिन रुकें इंस्टीट्यूट में रखें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं। कहीं भी बाहर से आ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये भी आए थे यहाँ से 200-250 यानी कि 150-200 किलोमीटर की दूरी से हैं, तो और यहाँ हमने भी जो आया है तो हमारा भी लगभग 1 महीने हुआ है, और लगता है कि 10-15 दिन में 20 दिन में यानी कि कोर्स पूरा हो जाएगा। और आज ये जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ी बहुत दुखी भी हो रही है। खुशी इस बात से हो रही है कि इसने अपना यानी कि कोर्स पूरा कर लिया, और आज कल को बिजनेस सेटअप करेंगे, दोस्ती तो बना ही रहेगा, पर यह है कि आज हमारे बीच से कहीं दूर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, मगर खुशी भी हो रहा है कि कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से, और कई मोबाइल फ़ोन भी इन्होंने बनाया है जो हम लोगों ने देखा। तो और मेरा भी कोर्स 10 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ से मेरा घर लगभग 1000 किलोमीटर पड़ता है बिहार अररिया जिला, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि अपने फैमिली की तरह रह रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो बिल्कुल ये होता है कि कहीं यानी कि नज़दीक से यहीं सर से कहीं दूर जा रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है कि नहीं, सर के पास रहते थे तो बिल्कुल अपना फैमिली की तरह रहता था, बिल्कुल फैमिली की तरह लगता था, और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। धन्यवाद। अब देखिए, ये हमारे पास एक लैपटॉप के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है अमन। जी सर, सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को नमस्कार कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा सर, यहाँ पे मैं लैपटॉप के लिए आया हूँ सर फतेहपुर से, लेकिन सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप 2 महीने मेरे यहाँ पे हो गए हैं, तो 2 महीने में ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया हुआ है, और अब ऐसा लग रहा है कि अभी जाके दुकान खोल दूँ, मतलब पूरा नहीं सीखा लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बहुत कुछ सीख लिया, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, और आपको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर सीखना हो तो देरी मत करिए, अभी बहुत देर नहीं होगी। धन्यवाद। ओके, आप देखिए इस तरीके से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट ने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो अपना सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस प्लान करते हैं और अपने काम को रेडी करते हैं। हाँ, मैं आपको क्लास के लिए दिखाता हूँ कि कैसे अपनी क्लासेस होती हैं, इस तरीके से पूरा एक एक करके क्लास के बारे में आपको, सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम आती है उन सारी प्रॉब्लम सीखते हैं। ये आपको पूरा लैब सेटअप बना हुआ है, ये जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट आया हुआ सीखने के लिए, मैं जिला गोंडा का रहने वाला हूँ, मुझे 3 दिन हुआ है रिपेयरिंग हुआ, रिपेयरिंग कोर्स करना चाहता हूँ, और मुझे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा लगा, और मैं और पहले रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में किया है,
और उतना मैं समझ में नहीं आया था, मैं इसी के सुधार के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये जैसे हमारे पास स्टूडेंट हैं अनस करके हैं, जो यही पास कानपुर लोकल के रहने वाले हैं, और ये अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स करते हैं, 4 घंटे का क्लास करने आते हैं मेरे पास। सर मेरा नाम अनस है, और क्या नाम है मेरे सर का नाम नहीं ना, मेरे चाचा के लड़के सर के पास सीखे हुए हैं, तो वही हमको यहाँ भेजें, हम यहाँ चले जाइए। इससे पहले अभी हम मोबाइल का काम कर चुके हैं मामा की अपनी शॉप में, तो हमने सोचा सर के पास आ जाएँ, सर का बहुत नाम था, वो मेरे चाचा के लड़के सर के पास से सीख के गए। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो सीख के जा चुके हैं, आज अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग भी उनमें से आप भी एक हो सकते हैं और अच्छा सीखिए। मेरी तरफ से इस बात की सुरक्षा है कि जब आप आएंगे तो पूरा कम्प्लीटली सीख करके ही जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहन खान है और मैं सर के पास इस टाइम मोबाइल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा टीच करते हैं, और उनको सारी नॉलेज है अबाउट मोबाइल से और लैपटॉप रिपेयरिंग की, कोई भी आपको उसके बाद में कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो तो आप उनसे सीख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करा देते हैं 30 to 45 days के अबाउट में, बट इफ़ यू वॉन्ट तो आप कुछ दिन रह के और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस के बाद जैसे आप सुन सकते हो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसकी वजह से आप परफेक्ट हो सकते हो और आप काफ़ी अच्छा इस लाइन में कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो जैसा कि ये रोमांच आते हैं और इनके सामने छोटे स्टूडेंट, जब हमारे पास इतना छोटा स्टूडेंट सीख सकता है ना, ये सबसे कहते हैं ना वोडाफोन ने निकाला तो सबसे छोटा रिचार्ज, ऐसे मेरा सबसे छोटा स्टूडेंट है, लेकिन अगर मैं आपको काम बताऊंगा तो काम बहुत अच्छा करके देता है, मतलब कोई भी फोन जाता रहता है ना तो तुरंत उसको ठीक कर देता है, मतलब जो इसने सीख रखा है जैसे चार्जिंग का काम है, माइक स्पीकरिंग का काम है, शायद एक दो फोन भी ठीक कर रखे ना, क्या किया था तुमने माइक का प्रॉब्लम है, छोटा सा फोन आया था माइक की प्रॉब्लम के लिए, इन्होंने उसे किया अपने हाथों से ठीक किया, अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या, आजकल के प्रेजेंट टाइम पे जैसा माहौल एनवायरनमेंट चल रहा है ना, तो हर एक आदमी हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल काम सीखे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब आपने पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली, लेकिन ये कि आपके हाथ में कोई टेक्निकली शिक्षा नहीं रही, अगर कोई तकनीकी हुनर नहीं हो पाता मार्केट में आपको काम करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम या ऐसा काम होना चाहिए आपके हाथ में जिसकी वजह से लोग आपको पैसे दें, जैसे आप कुछ काम करके दोगे उसी के एवरेज में तो आपको पैसे देंगे, तो इससे क्या था आपका एक बिजनेस काम करने का तरीका निकलता है। दूसरी बात क्या है, आपको काम करने का तरीका सीख मिलती है, और कहते नहीं कि हुनर तो कदर है, जिस आदमी के हाथ में हुनर होती है तो कभी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रहता, और जिसके पास हुनर नहीं होता तो हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो देखिए